मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विगत दिनों 11 गांवों की भूमि के अधिग्रहण को लेकर समाचार पत्रों के माध्यम से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें डिंडौरा, डिंडौरी, खदाना, मलकद्दा, चौधरपुर, रसूलपुर, सुनवाती, सोनपुर, देहात, भोगपुर, मिठौनी सहित लगभग 11 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। शासन स्तर पर भूमि अधिग्रहण मंजूरी मिल जाने के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की भूमि में पेमेंट को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर भूमि की दरों को लेकर नोटिस बोर्ड पर गाटा संख्या और भूमि की दर को चस्पा किया गया। किसानों को प्राधिकरण द्वारा दी जा रही धनराशि को लेकर असमंजस का माहौल है। किसान लगातार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर पहुंच रहे हैं और अपनी भूमि की दर को देख रहे हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना है कि हम मुरादाबाद की आवाम को एक नया शहर देने जा रहे हैं। नया शहर बसाने से पहले भूमि की क्रय क्रिया को किया जा रहा है। फिलहाल डिडौरा और डिडौरी ग्राम पंचायत की भूमि के गाटा संख्याओं को क्रय किया जा रहा है। किसानों से लगातार अपील की जा रही है कि आपसी सहमति के अनुसार हम भूमि को क्रय कर रहे हैं। प्राधिकरण की इस नीति को लेकर किसान लगातार प्राधिकरण कार्यालय में पहुंच रहे हैं, अपने भूमि के क्रय करने पर वार्ता भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो दर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है वो अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पर हेक्टेयर के अनुसार रेट लिखे हैं और किसान हेक्टेयर के अनुसार रेट को नहीं समझ पा रहे। किसानों का कहना है कि प्रति बीघा के अनुसार दरों को चस्पा किया जाए ताकि किसान आसानी से उन दरों को समझ ले और किसान अपनी भूमि का पैसा लेकर अपने अन्य स्थान पर कृषि की भूमि को क्रय कर सके। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा जो दर हमें बताई गई है उसका 4 गुना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जा रहा है। 4 गुना जमीन का रेट मिलने से किसानों में उत्साह का माहौल है। लगातार किसानों की संख्या प्राधिकरण कार्यालय पर बढ़ती दिखाई दे रही है। जमीन की बिक्री को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्दी इन 2 गांवों की भूमि की खरीदारी हो जाने के बाद नए शहर को बसाने में प्राधिकरण के अधिकारियों को काफी आसानी हो जाएगी और मुरादाबाद की जनता को सस्ते दरों पर भूमि भी उपलब्ध हो सकेगी। मुझे समझ में नहीं आ रही जो इन्होंने रेट लिस्ट लगाई है, पर हेक्टेयर लगाई है या जिस खाते नंबर में जितनी टोटल जमीन है उसकी कीमत लगाई है। यहाँ क्लियर होना चाहिए कि ये प्रति हेक्टेयर सर्कुलेट है या सारी जमीन की कीमत निर्धारित की है उसी को लिखा गया है। किसान लोग आ रहे हैं या फिर अभी कम लोग आ रहे हैं, लेकिन वो भी जो है मिसगाइड है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जिस तरह से एक हेक्टेयर के लिए कीमत निर्धारित की जाती है सरकार के द्वारा, तो ये एक हेक्टेयर की कीमत इन्होंने लगाई है या ये सारी जमीन की कीमत इन्होंने लगाई है, ये क्लियर होना चाहिए, सभी को पता चलना चाहिए, वरना लोग असमंजस की स्थिति में रहे।